हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका बिल्कुल नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, और इन क्वेश्चंस को कब समय में कैसे सॉल्व करना है आज इन्हीं सब चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दें और सभी लोग लाइव आ जाए, ठीक है? सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाए, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में हमारे साथ साथ आपको भी प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला प्रश्न मैं खुद से सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद के जितने भी प्रश्न होंगे सबसे पहले आप ट्राई करोगे, फिर देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जल्दी से लाइव जुड़ जाए, सभी लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं बैठक व्यवस्था या बैठने की क्रम व्यवस्था। अब देखिए, अगर इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्रश्नों की बात करें, तो एक बार देखेंगे कि कितने टाइप के कंडीशन आपके इस टॉपिक से बन सकती है। तो देखिए, सबसे पहला जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लीनियर अरेंजमेंट। क्या है बच्चा? लीनियर अरेंजमेंट। देखिए, हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इससे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। इसके बाद बारी आएगी लेंथ अरेंजमेंट की, जिसको कहते हैं लंबाई की क्रम व्यवस्था। उसके बाद बात आएगी हमारी फ्लोर अरेंजमेंट की, और इसी के साथ साथ हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे स्क्वायर आवरिक रेक्टेंगुलर को भी, ठीक है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो वो है आपका मंजिल आवलिक वर्गाकार आयताकार क्रम व्यवस्था, ठीक है? तो इतने टाइप के प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका लीनियर अरेंजमेंट, जिसको कहते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। उसके बाद बात आएगी सर्कुलर अरेंजमेंट की, जिसको कहते हैं वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। उसके बाद बात आएगी लेंथ अरेंजमेंट, लंबाई की क्रम व्यवस्था। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, जिसको मंजिल, वर्गाकार और आयताकार क्रम व्यवस्था। तो इस सीक्वेंस में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और सबसे पहले इसका बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद देन आफ्टर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस पर आने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से एक बार जितने लोग लाइव हैं बच्चा, सभी लोग एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिये, इस सीक्वेंस में हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेखीय क्रम व्यवस्था, लीनियर अरेंजमेंट। अब देखिए, इसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चंस पर। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज, देखिए क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें और डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आपको समझना होगा। तो देखो, नोट के फॉर्म में आप इसको नोट कर सकते हो कि अगर आपके प्रश्न में और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, या कुछ ना भी आए, केवल कॉमा दिया हो, तो ये जो सारे
ये जो सारे आपके अल्फाबेट है ये सभी रिप्रेजेंट करेंगे किसको, फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को। और अगर आपके सेंटेंस में जो आ जाए या जिसका आ जाए तो ये दोनों टर्म रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेकंड पर्सन को। और अगर ढेर सारे लोग होंगे, अगर ढेर सारे लोग होंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट पर्सन को। ठीक है, अगर ज्यादा लोग होंगे, एक से अधिक लोग होंगे, ठीक है, मतलब दो से अधिक लोग होंगे तो वहां पर फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट पर्सन को। तो समझिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में एंड आता है, बट आता है, वाइल आता है, तो ये सारे चीजें, ये सारे कंजंक्शन, ये सारे संयोजक, ये क्या करते हैं, ये जो टर्म है ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे संयोजक रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को। और अगर आपके सेंटेंस में जो और जिसका आ जाए, मतलब हु या हुज आ जाए, तो ये जो दो टर्म है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेकेंड पर्सन को। और अगर दो से ज्यादा लोग होंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट पर्सन को। तो ये भी आपका बेसिक है, इसको भी आप नोट कर लें, फिर देन आफ्टर हम लोग चलेंगे टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, अब देखिए, जो आपका लीनियर अरेंजमेंट है, जो आपका लीनियर अरेंजमेंट है, जो आपका रेखीय क्रम व्यवस्था है, आज की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर अरेंजमेंट, रेखीय क्रम व्यवस्था। अब इसको ध्यान से कुछ बेसिक चीजें समझिएगा, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। रेखीय क्रम व्यवस्था, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन होता है वो किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे होते हैं, वो लोग उत्तर की ओर देखते होते हैं, फिर उसमें बैठाता है, क्रम बनाता है कि ये इसके दाएं दूसरे स्थान पर है, ये बाई छोर से पहले स्थान पर, ऐसा देता है क्वेश्चन। तो देखिए इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। मान लीजिए कि पंक्ति में पांच लोग हैं, सपोज करिए कि पंक्ति में पांच लोग हैं, तो या तो शुरुआत में ही आप पंक्ति बना दो और पांचों लोगों को बैठा दो, एक तो तरीका यह है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठाते जाओ और लास्ट में अपने आप पांच लोग बैठ जाएंगे। तो ये दो तरीका है कि आप शुरुआत में ही, जैसे लाइन, पहली लाइन कहा कि पंक्ति में पांच व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो या तो आप शुरुआत में ही पंक्ति बना के पांच लोगों को बैठा दो और फिर क्वेश्चन के अनुसार इसमें लोगों को इधर उधर बैठाते जाओ, या दूसरा तरीका यह है कि आप क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ और अपने आप लास्ट में पांचों लोग बैठ जाएंगे। तो ये दो तरीका है। अब इस तरीके को कब यूज करते हैं और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बनाते चलते हैं और लास्ट में अपने आप पांच लोग बैठते हैं, उसको कब यूज करते हैं, तो देखिए अगर शुरुआत में प्रश्न में दिया है कि पांच लोग हैं और इनमें से अगर किसी पर्सन की जगह एग्जैक्ट मालूम हो, जैसे कह दिया कि ए बी सी डी ई और एफ पांच व्यक्ति हैं और ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो अब ई की जगह कंफर्म मालूम चल गई ना कि ई दाएं छोर पर चौथे स्थान पर है, दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो आप पहले ही पांच लोग को बैठा दीजिएगा और वहां पर आप ई को बैठा दीजिएगा कि ई दाहिने छोर से चौथे स्थान पर है, बच्चा पांचवें स्थान पर है। अब देखिए अगर आपका रेखीय क्रम व्यवस्था का प्रश्न है तो आपके पंक्ति में बैठे लोग चाहे उत्तर की ओर देखें चाहे दक्षिण की ओर देखें, पंक्ति का दाया छोर वही होगा जो आपका दाया हाथ है, दाया छोर, राइट एंड, और पंक्ति का बाया छोर वही होगा जो आपका बाया हाथ है। ठीक है, बाया छोर जिसको कहोगे आप लेफ्ट एंड। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पंक्ति में बैठे हुए लोग चाहे उत्तर की ओर देखें चाहे दक्षिण की ओर देखें, पंक्ति का जो दाया और बाया छोर है वो कभी बदलता नहीं है। जो आपका दाहिना हाथ होगा वही पंक्ति का दाया छोर होगा, जो आपका बाया हाथ होगा वही पंक्ति का बाया छोर होगा, चाहे इसमें बैठे हुए लोग उत्तर की ओर देखें और चाहे इसमें बैठे हुए लोग दक्षिण की ओर देखें। पहली चीज तो ये आप हमेशा कंफर्म रहिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इस पंक्ति में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म दी गई है, जैसे मान लो ई की जगह कहा कि ई दाएं छोर से पांचवें चौथे स्थान पर है, तो आप पहले ही पांचों लोग को बैठा दो और ई को बैठा दो भैया कि ई दाहिने छोर से पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर है,
तो यहां पर ई को बैठा दिया। मतलब शुरुआत में लोगों को तभी बैठाना है, शुरुआत में पांचों लोगों को तभी आपको बना लेना है जब आपका पंक्ति में बैठे किसी एक व्यक्ति की जगह कंफर्म दी गई है। और अगर पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म नहीं दी गई है तो आप शुरुआत में ही लोगों को मत बैठाइएगा, आप क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को बनाते चलिएगा, लास्ट में अपने आप पांच लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, ये दो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने को, जल्दी तरीका। आ रही बात समझ में? अब इस तरीके को ज्यादा समझने के लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो वहां से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर चेक करते हैं कि जाकी जो मैं तरीका बता रहा था उसको कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित जानकारी को क्या करिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन सवालों का जवाब दे। अब देखिए, मैं आपको 45 सेकंड देता हूं और आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। 45 सेकंड है आपके पास और जल्दी से आप क्या करिए, पढ़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि कितने लोग हैं, पहले नंबर आप पर्सन देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं और सभी लोग सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इस पूरे पंक्ति में किसी व्यक्ति की जगह एग्जैक्ट दी गई है तब तो आप शुरुआत में ही लोगों को बैठा लीजिएगा, और अगर इस पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म नहीं दी गई है तो आप बैठाते चलिएगा, लास्ट में अपने आप लोग बैठ जाएंगे। तो देखो, यहां पर आपको कह रहा है कि पी रेखा के बाएं छोर पर बैठा है। अब यहां पर पी की जगह कंफर्म मिल रही है ना, तो आप शुरुआत में ही बैठा लीजिए सातों लोग को। तो देखो, ये पंक्ति हो गए, कितने लोग हैं, 7। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवां, ये छठवां, ये सातवां। देखिए, ये आपका क्या है, दायां हाथ। तो जो आपका दायां हाथ होगा वो पंक्ति का दायां छोर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंड, राइट एंड। और ये आपका बायां हाथ है तो ये पंक्ति का बायां छोर हो जाएगा, बायां छोर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, लेफ्ट एंड। क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा कि ओ एम, अच्छा इसमें जिस व्यक्ति की जगह कंफर्म दी गई पहले उसको बैठाओ, ये नहीं कि क्वेश्चन पहले बैठा दिया आपने 7 लोग तो पहली लाइन से ही बैठाना स्टार्ट करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शुरुआत में 7 लोग को बैठाकर प्रश्न बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको इसमें रखिएगा जिसकी जगह इस पूरे प्रश्न में कंफर्म मालूम चल रही है। अब चाहे वो पहले लाइन में वो जानकारी मिले, चाहे दूसरे में मिले, चाहे लास्ट में मिले, आ रही बात समझ में? तो जब आप पढ़ोगे तो यहां से आपको मिल रहा है कि पी रेखा के बाएं छोर पर है। अब बायां छोर वही होगा जो आपका बायां हाथ होगा, तो ये बायां छोर है और यहां पर कौन बैठा है, पी। अब जब एक व्यक्ति आपको पी मिल गया तो अब आप ये चेक करोगे कि पी से रिलेटेड कोई और जानकारी दी गई है क्या। तो तुरंत अगले लाइन में आपसे कह रहा है कि पी और वी के मध्य कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो देखो, अगर पी यहां पर है तो वी आप यहां पर बैठाओगे तभी तो इनके मध्य 5 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये दो व्यक्ति आपको मिल गए। अब देखिए, अब आपको दो व्यक्ति मिल गए, अब इनसे रिलेटेड कोई और जानकारी प्रश्न में है। तो देखिए, इनसे रिलेटेड आपको कह रहा है कि जो यू है वो वी के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अब जो यू है वो वी के बाएं, तो वी का बाया कौन होगा, जो आपका बाया हाथ होगा। अब बाया इधर होगा, चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा बच्चा, यू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपका पी बैठ गया, वी बैठ गया और यू बैठ गया। अब देखो कह रहा है कि आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर ओ के अगल बगल नहीं बैठा है। फिर यहां से कह रहा है कि जो ओ है वो एम के दाएं चौथे स्थान पर है। अब ओ एम के दाएं चौथे स्थान पर, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि एम यहां पर बैठे और एम का दाया चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन बैठेगा, ओ बैठेगा। आ रही बात समझ में? चलो, इसके अलावा ओ और एम को बैठाने के लिए और कोई जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओ जो था वो एम के दाएं, तो एम का दाया वही होगा जो आपका दाहिना हाथ होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है, ओ। चलिए,
अब कह रहा है कि जो R है वो O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब R O के बगल में बैठेगा नहीं, तो यहां तो R बैठ नहीं सकता, तो आप R को यहां बैठा दो। अब एक व्यक्ति बचा है और एक जगह बची है, तो कौन व्यक्ति बचा हुआ है? S बचा हुआ, तो आपका X यहां, ठीक है, आपका S यहां हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। और ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी एग्जामिनर आपको इतनी लंबी कहानी देगा तो समझ लीजिए कि इस पर आधारित कम से कम 3 प्रश्न और अधिक से अधिक 5 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मौजूद रहेगा। तो अगर इस टाइप के प्रश्नों को आप बनाने में अधिकतम 1 मिनट भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 मिनट लगाने पर आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है? 3 क्वेश्चन आपके 100% सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप आराम से 1 मिनट लगने दीजिएगा। बस ये है कि जो भी आप क्वेश्चन बनाइएगा उसको सावधानी से बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने यहां पर गलती किया तो ये 3 प्रश्न भी पूरे पूरे गलत होंगे, ये 100% गारंटी है। अगर यहां पर एक व्यक्ति भी इधर उधर बैठ गया तो समझ लीजिए कि ये 3 प्रश्नों के आंसर आपके 100% गलत आने वाले हैं। इसलिए इन प्रश्नों के आंसर तभी आप चूज करना शुरू करिएगा जब आपके प्रश्न के अनुसार सभी व्यक्ति की जगह जैसा दिया गया हो वैसा इसमें फिट बैठ रहा हो, जबरदस्ती किसी को बैठाना नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को लगाने के लिए। तो देखो, अब अगले लाइन में मैंने इनको ड्रॉ कर दिया है और उसी सीक्वेंस में रखा जिस सीक्वेंस में आपने निकाला था, पी एम आर यू एस ओ बी। तो देखो, पी एम आर था ना, यू एस ओ बी, तो यहां पे थोड़ा सा गलती है, पी एम आर होगा फिर यू एस ओ बी, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, पी एम आर यू एस ओ वी। चलिए, अब पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इसको ट्राई करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सभी लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, देखिए क्योंकि फिगर हमने बना लिया है। और देखिए कितना आसान है, अगर एक बार आपने अपने रफ सीट पर इस फिगर को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आपका जनरली 90% एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, और जब भी आप ऐसे प्रश्न को अपने रफ पर एक बार आप ड्रॉ कर लोगे तो देखिए आप 5 प्रश्नों के आंसर सेकंडों में बता दोगे। देखो अब इस पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे कह रहा था कि M और S के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं, और अब तक सभी लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा कि M और S के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं, 2 व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कौन है? R और U। तो आपसे केवल इतना ही पूछ रहा है कि M और S के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति रेखा के ठीक मध्य में, अब देखिए जो फिगर हमने सबसे पहले पेज पर ड्रॉ किया था उसी फिगर को हमने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मुझे बार बार पीछे वाला पेज पलटना पड़ता इसलिए मैंने यहां पर ड्रॉ करवा लिया। और ये कैसे बना है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया शुरुआत में ही। अब आपके पास रफ सीट होगा जहां पर आपने ड्रॉ किया होगा, इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्लास में। अब देखो यहां पर कह रहा है कि ठीक मध्य में कौन है, तो भैया इसमें 7 लोग हैं, 3 लोग इधर से हो जाएंगे, 3 लोग इधर से, मध्य में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? बच्चा यू है। तो यहां पर विकल्प नंबर 1 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। कह रहा कि निम्न 5 में से 4 किसी एक निश्चित के आधार पर कोई एक समूह बनाते, एक है जो आपका अलग है और आपका पहचानना है कि कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से सॉल्व करते। देखो पहला विकल्प क्या है, एम और आर, मतलब ये दोनों एक साथ है और पहले व्यक्ति के तुरंत दाहिने दूसरा व्यक्ति बैठा है, यही है ना। यू और एस ये भी दोनों एक साथ है और पहले व्यक्ति के तुरंत दाहिने दूसरा व्यक्ति बैठा है। पी और एम ये भी दोनों एक साथ है और पहले व्यक्ति के तुरंत दाहिने दूसरा व्यक्ति बैठा है। ओ और वी ये भी दोनों एक साथ है और पहले व्यक्ति के तुरंत दाहिने दूसरा व्यक्ति बैठा है। लेकिन जब आप यहां पर उठाओगे तो आर और एस, अब इस विकल्प को आप देखिएगा ध्यान से,
तो यहां पर क्या है कि यहां पर इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति और है, तो यही जो विकल्प हो जाएगा ये बाकी विकल्पों से क्या होगा, अलग होगा, और आपका विकल्प नंबर 5 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आ रही बात समझ में आया। आपसे प्रश्न कह रहा था कि इन 5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार एक समान है और उस पर एक पैटर्न लग रहा है, कोई एक विकल्प ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है, तो आपको उसी को पहचानना था, और यहां पर विकल्प नंबर 5 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये आपका एस है, बताइए एस के संबंध में आर की स्थिति क्या होगी। लगाइए दिमाग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखो एस के संबंध में आर की स्थिति, अब आपको एस भी दिख रहा है आर भी दिख रहा है, तो एस के संबंध में आर की स्थिति क्या है, तो अगर आप एस की तरफ अपना सिर रख के खड़े हो जाइए तो एस के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है बच्चा, आर है, तो देख लो बाएं से दूसरा वाला विकल्प कौन सा है, और ध्यान से देखोगे तो विकल्प नंबर 5 आपको मिल जाएगा बाएं से दूसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि बैठने की व्यवस्था को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा जाए, अब अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, तो आपको बाएं छोर दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, दाहिना छोर दिख रहा है बिल्कुल, अब इसको बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा एम, उसके बाद एम के बाद क्या आएगा, तो एम के बाद आ जाएगा पी, पी के बाद क्या आएगा, तो पी के बाद आएगा आर, आर के बाद एम एन ओ, पहले एम एन ओ, पहले ओ आएगा क्योंकि एम हो गया उसके बाद पहले ओ आएगा, ओ के बाद तब आपका पी आएगा, ओ के बाद तब आपका क्या आएगा पी आएगा, और एम एन ओ पी, पी के बाद आएगा क्यू आर, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद यू आएगा, और उसके बाद वी आएगा। मतलब अगर इन सारे लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं रखें तो सबसे पहले इनमें सबसे पहले पी का नंबर आएगा, उसके बाद ओ का नंबर आएगा, उसके बाद आपका सॉरी सबसे पहले एम का नंबर आएगा, उसके बाद ओ का, उसके बाद पी का, उसके बाद आर का, उसके बाद एस का, उसके बाद यू का, फिर बी का, ठीक है। और देखिए 7 लेटर इसमें भी थे, 7 इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7, अब इनको हमने अरेंज कर लिया, तो कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये एम है, ये ओ है, ये पी है, ये आर है, ये एस है, ये यू है, वी, इनके नीचे पोजिशन लिख जाओ, एम का 13 होता है, ओ का 15, ये 16, ये 18, ये 19, ये आपका 21 और ये 22, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, गिनती गिनना है आपको, 13 से स्टार्ट करेंगे, यहां 14 है क्या, नहीं, 15 है क्या, नहीं, 16 है क्या, नहीं, 17 है क्या, नहीं, 18 है क्या, नहीं, 19 है क्या, नहीं, चलो 15 के बाद 16 है, बिल्कुल है, तो ये एक पेयर बन जाएगा, 16 के बाद 17 है, नहीं, 18 है, नहीं, 19 है, नहीं, 20 है, नहीं, 16 के बाद 17 है, नहीं, 18 है, नहीं, 19 है, नहीं, 20 है, नहीं, 18 के बाद 19 है, बिल्कुल है, उसके बाद 20 है, नहीं, 21 है, नहीं, 19 के बाद 20 है, नहीं, 21 है, नहीं, 21 के बाद 22 है, बिल्कुल है। अब ऐसे बात सीधा गिनने के बाद उल्टा भी गिनोगे, 22 के बाद सारे छोटे हैं गिनने की कोई जरूरत नहीं है, 21 के बाद सारे छोटे हैं गिनने की कोई जरूरत नहीं है, 19 के बाद सारे छोटे हैं गिनने की कोई जरूरत नहीं है, 18 के बाद सारे छोटे हैं, तो इस तरीके से आपका 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये आपका 3 बन जाएगा, यही तो होगा, ठीक है, यही होगा ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा सीधा सीधा 3, कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, बस गिनना है आपको और कुछ नहीं करना है, इनकी पोजीशन 13 होती है, ओ की 15, पी की 16, आर का 18, एस का 19, यू का 21 और वी का 22, बस गिनना है, 13 के बाद 14 है, नहीं 15 है, नहीं 16 है, नहीं 17 है, नहीं 18, 19, 15 के बाद 16, ये एक पेयर बन जाएगा, अब ऐसा नहीं कि गिनती बंद कर दीजिए, आगे भी गिनेंगे, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 16 के बाद 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 18 के बाद 19 एक पेयर, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं, 21 के बाद 22 एक पेयर, फिर तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए हमारे यहां
कुछ बैचेस चल रहे हैं और इस बैच को परचेज करने के लिए आप प्ले स्टोर पर चले जाइएगा और वहां पर स्टडी 91 के नाम से ये बैच अवेलेबल है। इस बैच का जो मेन आपका इस समय जो चल रहा है वो आपका लेखपाल है, यूपीपी है और सुपर टेट, ये आपके मोस्ट ठीक है, इसकी डिमांडेड है, मोस्ट डिमांडेड बैचेज है ये। और अगर आप इन बैचेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर चले जाइए और आप इस पर इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपको खुद से ट्राई करना है। मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं और जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। पहले जल्दी से फिगर ड्रॉ करिए, ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी, सभी लोग एक बार ट्राई जरूर करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तरीका मैंने अभी बताया है क्योंकि जब तक आप हमारे साथ ट्राई करते हुए नहीं चलोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म दी गई है, पहले ये देखो। तो आप जब देखोगे तो देखो यहां पर आपको मिल जाएगा कि टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर है, तो यहां से टी और वाई की जगह कंफर्म आपको मिल रही है क्योंकि पंक्ति में कितने लोग हैं, पंक्ति में केवल 6 ही लोग हैं। पंक्ति में कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, तो पहले बैठा लेते हैं। 6 पर्सन को हम शुरुआत में इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि वहां पर 2 व्यक्ति की जगह कंफर्म मालूम चल रही है। देखो ये पंक्ति हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये पंक्ति का कौन सा छोर हो जाएगा, तो ये आपका दाहिना हाथ, तो ये पंक्ति का दाया छोर, और ये आपका बाया हाथ, तो ये पंक्ति का क्या हो जाएगा बच्चा, बाया छोर हो जाएगा। अब देखो यहां पर कह रहा है ना कि टी, ये आपका दाया, कह रहा है ना कि टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर है, तो यहां से आपकी इन दोनों की जगह फिक्स है कि टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर। तो देखो दो चीज है, अगर वाई को आप यहां बैठाते तो वाई का बाया चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा, टी। एक कंडीशन यह भी हो सकती है कि वाई यहां हो और वाई का बाया पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन हो, टी हो, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि वाई रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अब अगर कोई लड़का यहां पर वाई को बैठाता है तो ये तो रेखा का अंतिम छोर हो जाएगा ना बच्चा, यानी कि अगर आप इस वाई को ले रहे हो और अगर इस टी को ले रहे हो तो ये 100% क्या है बच्चा, गलत है, इसको नहीं लेना है क्योंकि वाई रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है और वाई के यहां पर बैठाते ही वाई रेखा के कहां पहुंच जा रहा है, अंतिम छोर पर पहुंच जा रहा है। तो आप इस वाई को हटा लो और इस टी को हटा लो और मतलब आपका ये वाई और ये टी 100% क्या है, सही है। तो हमने यहां पर वाई को बैठा लिया और यहां पर क्या बैठा लिया, टी को। केवल आपसे यही कह रहा है कि वाई रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, टी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि वाई रेखा। अब आपको ये 2 व्यक्ति मिल गए जिनकी जगह कंफर्म मालूम है, ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही लोगों को बैठा लिया। अब देखो कह रहा है कि वाई एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो वाई एक्स के दाएं, अब पहली कंडीशन हो सकती है कि एक्स यहां पर बैठे, अब अगर एक्स यहां पर बैठेगा तो एक्स का दाया पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन होना चाहिए, W होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि W X के दाएं तीसरे स्थान पर है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, Y बैठा, यानी कि X की ये वाली जगह सही नहीं है। अब X की ये वाली जगह नहीं सही है तो X को यहां बैठा लो और X का दाया पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, W हो जाएगा। आ रही बात समझ में, W X के दाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, चलिए ये भी अच्छी बात है। फिर कह रहा कि यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यू टी के पड़ोस में नहीं बैठा, मतलब यहां पर यू नहीं बैठ सकता, तो यू कहां बैठ जाएगा, यहां पर। अब एक लोग बचे हैं, एक जगह बची है, कौन बचा हुआ है, देखो वी बचा हुआ है, तो वी आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न बन गया आराम से। अब देखिए अगर आपने इस प्रश्न को बनाने पर मैक्सिमम 1 मिनट भी लगाए हैं तो आपके कम से कम 3 और अधिकतम 5 प्रश्न आपके 100% क्या होने वाले हैं बच्चा, सही होने वाले हैं। फटाफट देखिए सबका यही आया था, जल्दी से एक बार मैच कर लें, सबका यही आया था बच्चा। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अगर सबका यही आया हुआ है, सबके कमेंट आ रहे हैं सबका यही आया हुआ, तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कितने व्यक्तियों की स्थिति वास्तविक स्थिति के संबंध में अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है,
अब अगर इनको अल्फाबेट के क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले अगर आप रखना चाहते हो तो पोजीशन लिख दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा व्यवस्थित करना। इसकी पोजीशन होती है 20, इसकी होती है 22, इसकी होती है 24, इसकी होती है 21 और इसकी होती है 25 और इसकी होती है 23। अब अगर इसको अल्फाबेट क्रम में व्यवस्थित करना चाहते तो सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वी आएगा, उसके बाद डब्ल्यू हो जाएगा, उसके बाद एक्स हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। तो कह रहा कि कितने व्यक्तियों की स्थिति वास्तविक स्थिति के संबंध में अपरिवर्तित रहेगी। तो देखो ये तो भैया अपरिवर्तित है क्योंकि यहां भी टी है, यहां भी अपरिवर्तित की बात कर रहा है। देखो ये अपरिवर्तित है, ये तो परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया और ये भी परिवर्तित हो गया। तो केवल एक अल्फाबेट ऐसा है जिसकी वास्तविक स्थिति क्या है, अपरिवर्तित। ठीक है, आ रही बात समझ में, मतलब व्यवस्थित करने के बाद वो अपनी वास्तविक स्थिति के संदर्भ में क्या है, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित के मतलब टी पहले भी पहले स्थान पे था और अभी भी पहले स्थान पर है। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो आगे आओ। कह रहा है कि टी के संबंध में एक्स की स्थिति क्या है, तो टी के संबंध में एक्स की स्थिति तो सीधा सीधा दिख रहा है कि टी के संबंध में एक्स की स्थिति क्या है, दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर। विकल्प नंबर 3 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टी के संबंध में एक्स की स्थिति क्या है, तो टी के संबंध में एक्स की स्थिति क्या है, ये आपका दाहिना हाथ है, दाएं से दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वी और वाई के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो देखो ये V है, ये Y है और इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है दो व्यक्ति हैं, X और U। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं बच्चा, तो दो व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति कौन है, X और U। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उन व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो अंतिम छोर पर टी और डब्ल्यू बैठा हुआ है। देख लीजिए कौन सा विकल्प है, टी और डब्ल्यू, तो सीधा सीधा विकल्प नंबर 4 आपको यह इंगित कर रहा है कि आपके प्रश्न का क्या है बच्चा, सही जवाब है टी और डब्ल्यू। चलिए, कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था, उपरोक्त बैठक व्यवस्था में से 5 में से 4 किसी एक प्रकार एक समान है और उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो अलग है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला वी और टी है, वी और टी मतलब दोनों एक साथ बैठे हैं और यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के बाएं साइड में बैठा है, यही कहानी है ना, दोनों एक साथ हो गए और जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के बाएं साइड में। चलिए ठीक है। अगला देखिए, वाई और डब्ल्यू ये भी दोनों एक साथ हैं लेकिन यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के दाएं साइड में बैठा है, यहां पर बाएं साइड में था और यहां पर क्या था, दाएं साइड में था। चलिए आगे आइए, ये देखिए यहां पर क्या है, यू और एक्स, यू और एक्स, तो यहां पर जब देखेंगे तो यहां भी दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति के किधर है, बाएं साइड में है। ठीक है, तो इन दोनों की कहानी तो सेम है अब तक। फिर देखिए वाई और यू, वाई और यू, तो देखिए वाई और यू, तो यहां भी जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के किधर है, बाएं साइड में। और एक्स और टी, तो देखिए अब यहां पर कहानी का यह पैटर्न नहीं लग रहा है, यहां पर सीधा सीधा है कि बाकी के बीच में कोई गैप नहीं है और यहां पर इन दोनों के बीच में एक का गैप है, x और t इन दोनों के बीच में एक का गैप है, बाकी विकल्पों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, सीधा सीधा यह पैटर्न यहां पर लग रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में, बाकी विकल्पों के बीच में एक का गैप है, सॉरी बाकी विकल्पों के बीच में कोई गैप नहीं है और इन दोनों के बीच में एक का गैप है लास्ट वाले में। ठीक है, यहां पर दायां बायां देखने की जरूरत नहीं है, जब अगर इसके संदर्भ में सब अगर एक साथ मिलता तो फिर वहां पर दायां और बायां हम कंसीडर करते। ठीक है, चलिए आगे आइए। हमारे यहां जो हमारे मोस्ट पॉपुलर बैचेज हैं वो ये बैचेज इस समय चल रहे हैं, एक आपका यूपी लेखपाल की जिसकी वैकेंसी अभी रिसेंटली आई हुई है, हिंदी इंडिविजुअल किसी भी बैच के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका वीडियो हो गया, चाहे आपका लेखपाल, चाहे आपका यूपीपी, मतलब हिंदी की समस्या अगर आपको सॉल्व करनी है
किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो नितिन सर हमारे पढ़ाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जल्दी वैकेंसी आने वाली है, सुपर टेट इस समय टेट होने वाला है और उसके जस्ट बाद आपका सुपर टेट, तो अभी से अगर आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका टेट क्वालिफाई है और साथ में पेट, तो ये तो आपको पता ही है कि हर साल आपका दो बार होना है, एक बार हो चुका है, अगला बार कब होगा, लेकिन तैयारी अगर आप पहले से करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच स्टडी 91 के नाम से हमारे प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप डाउनलोड करके इन सारे बैचेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट मैं आपको 50 सेकंड का समय देता हूं और जल्दी से सभी बच्चा ट्राई करेंगे, फिर हम आएंगे देखेंगे कितने बच्चा लोग का सही है। दिमाग लगाइए, ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद कॉपी पेन लेकर सभी लोग बैठे होंगे और ट्राई करिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दिमाग लगाइए, चलिए तो आपका समय समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, सात मित्र हैं, शुरुआत में दे दिया सात मित्र हैं। अब सातों मित्र को शुरुआत में तभी बैठाएंगे जब किसी की जगह कंफर्म मालूम चल रही है, तो पहले लाइन से कह रहा है कि टी वी के बाय चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो चलो बैठा लेते हैं सात लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका कौन सा हाथ है, दाहिना, तो ये पंक्ति का दायां छोर हो जाएगा और इधर आपका बायां हाथ है तो ये पंक्ति का क्या हो जाएगा, बायां छोर हो जाएगा। ठीक है, ये एरो ये शो कर रहा है कि व्यक्ति किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर, भाई यहां पर दे रखा ना उत्तर, और अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो ऊपर क्या होता है आपका उत्तर, जिसको आप नॉर्थ कहते हो, यह आपका पूरब होता है, जिसको आप ईस्ट कहते हो, यह आपका दक्षिण होता है, जिसको आप साउथ कहते हो, और यह आपका पश्चिम होता है, जिसको आप वेस्ट। तो सभी लोग किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब देखो पहली लाइन क्या कह रहा है कि जो टी है वो वी के बाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर, और कह रहा है कि एक कंडीशन और है कि ना ही टी ना ही वी रेखा के अंतिम छोर पर बैठे, मतलब ये दोनों लोग अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, तो मतलब ना तो टी यहां पर बैठ सकता है ना ही वी यहां पर, ये तो अंतिम छोर है। अब इसके अलावा भी आपको ये शर्त पूरी करनी है कि जो टी को बैठाना है वो वी के बाएं चौथे स्थान पर, तो V को यहां पे बैठा लो और V का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा बच्चा, T हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको हटा लेते हैं जिस इंडिकेशन को हमने बना रखा था, क्योंकि अब T और V क्या हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। आ रही बात समझ में बच्चा, चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो P है वो S के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब P S के दाएं तीसरे स्थान पर, अच्छा बड़ी कंडीशन को पकड़ेंगे ताकि जगह एग्जैक्ट मिल जाए, इससे बड़ी कंडीशन आपके अगले लाइन में दिख रही है कि जो R है वो U के बाएं चौथे स्थान पर है। अब R U का बाया चौथा स्थान, तो एक कंडीशन ये हो सकती कि U यहां पर हो, अब U का बाया पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन यहां पर होती तो यहां पर ऑलरेडी V बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हो जाता, एक कंडीशन यहां पर होती U और U का पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यह भी हो सकता था कि R U के बाएं चौथे स्थान पर, तो एक कंडीशन यह हो सकती है कि U यहां पर बैठे और U का बाया पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन बैठे, R, तो ये दो कंडीशन पॉसिबल है, तो दोनों को हमने लिख लिया। लेकिन आपसे लास्ट में कह रहा है कि R रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, अब अगर आप U और R को इसको लोगे तो यहां से पर R रेखा के कहां बैठ जा रहा है, अंतिम छोर पर, तो यानी कि ये जो कंडीशन आप कंसीडर कर रहे हो ये क्या है बच्चा, गलत है, तो इसको हटा दो, ये कंडीशन आपकी सही है। चलो आगे देखो, अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, अब पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है तो एस को यहां पर बैठा लो और इसका दाया पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन बैठा है, पी बैठा है, अब एक व्यक्ति बचा हुआ एक लोग बचा हुआ, कौन बचा हुआ, क्यू बचा है, तो क्यू को आप यहां पर बैठा दो। ठीक है, सभी लोग फटाफट मैच कराइए कि जितने बच्चे बनाए थे अपने कॉपी पर सभी का एकदम यही आकृति बन रही है, एकदम यही फिगर बन रहा है या कुछ अलग बन रहा है, फटाफट मिलाओ। आइए प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं, सभी लोगों का सही बना होगा, क्योंकि देखिए जो तरीका मैंने बताया अगर उस तरीके से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबका 100% सही बनेगा। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं और देखिये यहां भी वही प्रश्न है कि पांच में से चार किसी एक पैटर्न पर इस फिगर के आधार पर समान है, कोई एक ऐसा विकल्प होगा जो आपका अलग होगा और उसी को आपको पहचानना है। तो देखिए पहला क्या है, P और R,
तो देखो यहां पर P और R दोनों एक साथ है, लेकिन यहां पर जो आपका दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के किधर है, बाएं है। चलो ठीक है, दोनों एक साथ और जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के बाएं। चलिए देखिए फिर क्या कह रहा है, वी और क्यू। तो यहां पर देखिए यहां भी दोनों एक साथ है और यहां भी जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है, यहां भी पैटर्न वही है। फिर आपका क्या दे रहा है, फिर आपका यू और वी दे रहा है, यू और वी। तो यहां भी दोनों एक साथ है और यहां भी जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के किधर है, तुरंत बाएं है। तो अब तक तो तीनों में पैटर्न समान लग रहा है। फिर क्यू और पी, अब यहां भी देखिए दोनों एक साथ है और यहां भी जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के किधर है, तुरंत बाएं है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, एस और टी, यहां भी दोनों एक साथ है लेकिन यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के किधर है, तुरंत दाएं है। तो मैंने बताया था कि या तो आपका पैटर्न बैठने के आधार पर हो सकता है दाएं और बाएं, या तो उनमें गैप हो सकता है, जैसा कि पिछले प्रश्न में था वहां पर गैप पर आधारित था। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर 5 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि टी के संबंध में क्यू की स्थिति क्या है, तो टी के संबंध में क्यू की स्थिति पूछ रहा। तो सीधा सीधा पहला दूसरा तीसरा, यहां पर आपका दाहिने से चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। टी के संबंध में क्यू की स्थिति पूछ रहा है, टी के संबंध में क्यू की स्थिति, तो टी के संबंध में जो क्यू की स्थिति है वो पहला दूसरा तीसरा, मतलब आपके दाएं से चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में, तो सात लोग हैं, तीन इधर से हो जाएंगे, तीन इधर से हो जाएंगे, ठीक मध्य में कौन हो जाएगा बच्चा, पी हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए एक बार अगर आपने मैक्सिमम 60 सेकंड लेके क्वेश्चन बना लिया तो इस पर आधारित जितने भी होंगे प्रश्न, मतलब मैक्सिमम 5, वो प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होने हैं, बस शुरुआत में थोड़ी सी सावधानी बरतना है। कह रहा है कि उन मित्रों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर है, तो कौन है, एस और यू है, और देख लीजिए विकल्प नंबर 4 आपका यह इंगित कर रहा है एस और यू को। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा कि सभी सात मित्रों को वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने लोगों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। अब वर्णमाला क्रम के अनुसार बैठाना है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कहानी बढ़ेगी एस टी यू, अच्छा पी क्यू से बढ़ रहा, पी क्यू R, S, T, U और V। तो देखो कितने लोगों की कहानी अपरिवर्तित है, मतलब ऊपर और नीचे समान है, तो ये तो असमान है, ये भी असमान है, ये देखो ये आपका समान है, फिर यहां पर देखोगे ये असमान है, ये भी असमान है, ये भी असमान है और ये भी असमान। तो केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वास्तविक स्थिति और बाद में स्थिति क्या है, अपरिवर्तित है, बाकी सब परिवर्तित हो गए, ये भी परिवर्तित हो गए, ये भी परिवर्तित हो गए, ये भी परिवर्तित, ये भी परिवर्तित। तो ऐसे प्रश्न को भी कैसे सॉल्व करना है, यह भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जब भी ऐसा प्रश्न आए कि बाएं से दाएं, तो देखिए ये बायां है और ये आपका दायां, वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, तो इसमें सबसे पहले पी आएगा, उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी। तो देखोगे ऊपर और नीचे मिलान करोगे कि ऊपर और नीचे कौन सा दो है अल्फाबेट जो समान दिख रहा है, तो यहां पर आर मिलेगा आपको। चलो अब देखिए हमारे यहां यूपीपी का बैच स्टार्ट हो चुका है, इस सारे बैच में आपका डेली क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर, चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट सेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस समय आपका ऑफ चल रहा है, आपकी फीस आपकी इतनी है, लेकिन ऑफ के बाद आपका 1499 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को फटाफट सभी बच्चा लोग ट्राई करेंगे। आपके पास है कितने, तो आपके पास है टोटल 50 सेकंड। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 50 सेकंड है आपके पास, ट्राई करिए जल्दी से, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, तो चलो 7 लोगों को एक सीधी रेखा में बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पंक्ति का दायां छोर, तो जो आपका दाहिना हाथ वो पंक्ति का दायां छोर, जो आपका बायां हाथ वो पंक्ति का बायां छोर।
अब देखो इस पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह एग्जैक्ट मालूम चल रही है नहीं चल रही है, तो दो तरीका अपना सकते हो, या तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठाते चलो या तो लास्ट में अपने आप लोग बैठ जाएंगे। चलिए हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते चल रहे हैं। कह रहा है कि डी के दाएं तीसरे, देखो इस पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रही थी, तो अब हम बनाना शुरू करेंगे और लास्ट में अपने आप लोग बैठ जाएंगे। डी के दाएं तीसरे स्थान पर है, अब अगर मान लो के यहां पर है तो के का दाया तीसरा कौन है, अगर मान लीजिए के यहां पर है तो के का दाया तीसरा कौन है, डी है, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर कौन है, डी है। डी के दाएं चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर डी है। फिर कह रहा है कि एन डी के दाएं चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तो डी का दाया पहला दूसरा यहां पर कौन है, एन। अब देखो पंक्ति में कितने लोग थे, सात, और अभी कितने लोग हुए, छह, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब एक व्यक्ति अभी और आएगा। अब या तो यहां पर आ सकता है एक व्यक्ति या तो यहां पर आ सकता है, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एल और एफ एक दूसरे के निकटतम क्या है, पड़ोसी है। एल और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अब इन दोनों व्यक्ति को आपको एक साथ बैठाना है, तो यही दो जगह तो एक साथ दिख रही है, क्योंकि अब देखो एक व्यक्ति या तो यहां पर होगा और या तो यहां पर होगा, तो इन दोनों जगह पर एल और एफ को बैठा नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बगल में तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, तो ये जगह तो अभी पॉसिबल ही नहीं है एल और एफ के लिए। अब एल और एफ के लिए परफेक्ट जगह यही दोनों है, ठीक है। और यहां पर आपसे कह रहा है कि एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एल और एफ को आप इस प्रकार बैठाइएगा कि के पड़ोस में एल ना बैठने पाए, तो आप एल को यहां पर बैठा दो और यहां पर किसको बैठा दो, एफ को। तो एल और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी भी हो जाएंगे और एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर आप एल को बैठा देते, यहां पर एफ को बैठा देते, तो आपका जो एल हो जाता वो के का निकटतम पड़ोसी हो जाता। चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि आई और सी के मध्य, केवल एक व्यक्ति कह रहा है कि आई और सी के मध्य बैठा है, तो अब यहीं पर पॉसिबल हो पाएगा कि यहां पर आपको किसको बैठा दो, आई और सी के मध्य एक व्यक्ति, लेकिन यहां पर कंडीशन कह रहा है कि आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आई को आप यहां पर बैठा दो और सी को यहां पर, और इनके मध्य एक व्यक्ति। अगर आई को यहां बैठाते सी को यहां बैठाते तो आई किसका पड़ोसी हो जाता है, डी का पड़ोसी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो आपके तुरंत सात लोग बैठ गए। तो देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो शुरुआत में ही आप लोगों को बैठा दो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन के अनुसार बैठाते चलो, लास्ट में अपने आप सातों लोग बैठ जाएंगे। और दोनों तरीकों को कब अप्लाई करना यह भी मैंने बता दिया है। पहला तरीका शुरुआत में ही लोगों को बैठा के प्रश्न बनाना कब स्टार्ट करना है, जब पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म मालूम हो, और आप देखोगे तो इस पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म नहीं मालूम है, इसलिए हमने ऐसा बनाया। बताइए सभी लोग मैच करिएगा, सभी लोग का बिल्कुल इसी तरह आ रहा है, जल्दी से मैच करिए, फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ हम लोग। कमेंट करिए जल्दी से, जिनका इसी तरह बना हुआ वो यस कमेंट करेंगे और जिसका इस तरह नहीं बना हुआ नो। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सभी का चेक कर रहा हूं मैं, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखिए कितना सेकंडों में आंसर निकलेगा अगर आपने एक बार प्रश्न को सही बना लिया। यहां पर मैंने फिगर बना दिया है के एफ एल डी सी एन आई, और इसी सीक्वेंस में आपका बना भी था के एफ एल डी सी एन आई। फिगर मैं इसलिए बना देता हूं कि बार बार मुझे बैक ना जाना पड़े, ठीक है। आप भी एग्जाम में जब एक बार क्वेश्चन को देखकर अपने रफ शीट पर फिगर बना लोगे ना, तो उस रफ शीट को सामने रखिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। अब यहां भी वही प्रश्न है कि पांच विकल्पों में से कोई चार किसी एक पैटर्न पर एक समान है, बाकी एक आपका अलग है, उसको आपको पहचानना है। तो चलिए चेक करते हैं, पहला आपका डी और एन, यहां पर एक का गैप है, उसके बाद के और एल, के और एल यहां भी एक का गैप है, उसके बाद एफ और डी यहां भी एक का गैप है, उसके बाद एल और एन यहां पर आपका दो का गैप दिख रहा है, और उसके बाद सी और आई यहां पर एक का गैप। तो यहां पर एल और एन वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों लेटर्स के बीच में, इस चित्र के अनुसार, इन लेटर्स के बीच में इस चित्र के अनुसार कितने का गैप है बच्चा, इस चित्र के अनुसार इन लेटर्स के बीच में एक एक का गैप है, जबकि इस वाले विकल्प में कितने का गैप है, दो का गैप है। तो यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही कह रहा था कि चार में से
कोई एक ऐसा जिस पे अलग पैटर्न लग रहा है, तो यही विकल्प नंबर 4 पर अलग पैटर्न लग रहा है। सबके बीच में एक एक का गैप है और यहां पर 2 का गैप है। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि F और C के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देख लो ध्यान से, ये F है और ये C है, तो इनके मध्य 2 व्यक्ति हैं L और D। तो देख लीजिए विकल्प नंबर 2 आपके इस प्रश्न का क्या होगा बच्चा, सही जवाब होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो रेखा के अंतिम छोर पर 2 व्यक्ति है, एक के है और दूसरा क्या है आई है, एक आई है और दूसरा क्या है के है, तो विकल्प नंबर 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा, एक आई हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि L के संबंध में K की स्थिति क्या है, अब L के संबंध में बताना है कि K की स्थिति क्या है, तो L के संबंध में K की स्थिति क्या है, तो बाएं से चौथा स्थान पर है, बाएं से दूसरे स्थान पर है। L के संबंध में जो K की स्थिति है वो क्या है, बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो देख लीजिए बाएं से दूसरा। ठीक है, बाएं से दूसरा विकल्प नंबर 1 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, L के संबंध में K की स्थिति पूछ रहा है, तो L ये है, K की स्थिति, तो ये आपका बायां हाथ है, बाएं से दूसरा आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए, कह रहा कि यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं से बाएं, ये जरूर देखिएगा कि आपको बाएं से दाएं बैठाने को कह रहा है, आपको बाएं से दाएं बैठाने को कह रहा है या दाएं से बाएं, तो यहां पर कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं बैठाया जाए, तो वास्तविक बैठक व्यवस्था के संबंध में कितने के स्थान अपरिवर्तित है। अब आपको दाएं से बाएं बैठाना है, तो कहानी कहां से बढ़ रही थी आपकी, सी डी से, तो सी डी, उसके बाद ई तो है नहीं, एफ हो जाएगा, एफ के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो एफ के बाद आपका हो जाएगा एल, उसके बाद एम है नहीं, एफ के बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद आपका एन। ठीक है, क्या छूट रहा है, सी डी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो सी हो गया आपका, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद एफ हो गया, उसके बाद आपका अच्छा आई, तो यहां पे सबसे पहले एफ के बाद आप आई लिख दो, आई लिख दो, उसके बाद आप के लिख दो, और उसके बाद आप लिख दो सी डी एफ आई के, और के बाद लास्ट में आपका एन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे सही तरीका है, आप पहले पोजीशन लिख जाओ, ज्यादा सही पड़ेगा, तो आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, एल का 12 होता है, एफ का 6 होता है, और के का 11। अब यहां से आप रखोगे ना तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय बचाने के चक्कर में देखो ये सी हो जाएगा, उसके बाद ये डी हो जाएगा, 3 4 हो गया, उसके बाद देखो 6 की बारी आएगी, तो उसके बाद एफ हो जाएगा, 3 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 9 की बारी आएगी, आई हो जाएगा, उसके बाद 12 की बारी आएगी, आपका एल हो जाएगा, उसके बाद सॉरी उसके बाद 11 की बारी हो जाएगी, के हो जाएगा, उसके बाद आपकी 12 की बारी हो जाएगी, एल, लास्ट में आपका एन हो जाएगा। इस तरीके से आप किया करो। ठीक है, जब भी सीक्वेंस में बैठाने की बारी आए, थोड़ा सा समय आपको बचाने के चक्कर में ज्यादा समय नुकसान हो जाता है, तो आप पहले ऊपर पोजीशन लिख जाओ, फिर फटाफट आप इस तरीके से कर लो, वो ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। अब देखो आपने इसको बैठा लिया दाएं से बाएं, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि कितने के स्थान अपरिवर्तित है, मतलब ऊपर और नीचा कितना समान दिख रहा है, तो देखो ये तो असमान है, ठीक है, ये तो आपका परिवर्तित हो गया, अपरिवर्तित की बात कर रहा, मतलब ये तो स्थिति आपकी परिवर्तित हो गई, ये भी स्थिति आपकी परिवर्तित हो गई, ये भी 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 परिवर्तित, तो ये भी, तो आपसे कह रहा है कि सबका सब परिवर्तित हो गया, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भाई अगर आपने इसको दाएं से बाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा, तो सबसे पहले आपका सी आ जाएगा, उसके बाद आपका डी आ जाएगा, उसके बाद आपका एफ आ जाएगा, उसके बाद आपका आई आ जाएगा, उसके बाद आपका के आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, और उसके बाद आपका लास्ट में एन। तो जब देखोगे तो ऊपर और नीचे कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखिए हमारे यहां लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपर टेट, ये सारे हमारे यहां के क्रीम बैचेज हैं, और आपका हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ, तो अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो आप हमारे यहां क्या कर सकते हैं बच्चा, क्वेरी कर सकते हैं।
तो आज के सेशन में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, कहां पर आपको सावधानी बरतनी है क्वेश्चन सॉल्व करने का।